आप जो है लॉगिन पेज पर आ चुके हैं जहां से आपने चॉइस फिलिंग किया था। यहां पे देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है और यहां पे न्यू ऑप्शन है, ठीक है। देन आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है बच्चों। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आ रहा है आपको। यहां पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन जो है नंबर वन में दिख रहा है, सिंपली आपको यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं इस बच्चे को 1600 रैंक है, इसको केसीई कटिहार में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, विलिंगनेस सबमिट करना है, ठीक है बच्चों। विलिंगनेस सबमिट करने के लिए आपको यहां पे देखिए सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन जो है वो दिख रहा होगा। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो इसका मतलब अच्छे से आपको समझना है। फ्रीज का मतलब है कि आपको जो अभी कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज पसंद है, आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आप दूसरे कॉलेज में आपको नहीं जाना है। वहीं अगर आपको दूसरे कॉलेज में जाना है जो आपको अभी सीट अलॉट हुआ है, जैसे कि इस बच्चे को 11वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके ऊपर का जो कॉलेज है वो अलॉट होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर दूसरे कॉलेज में सेकेंड राउंड में आपको काउंसलिंग करवाना है तो आपको ऑटो अपग्रेडेशन यस करना है, नहीं तो कॉलेज पसंद है तो आपको फ्रीज करना है। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, नहीं तो आपको फर्स्ट राउंड का जो सीट होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करना है, इस बच्चे का ऑटो अपग्रेडेशन जो है उस पर क्लिक कर देता हूं। इस बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं है, इसको अपग्रेड करना है। जैसे ही अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करने के बाद यहां पे आपको पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। यहां पे पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके फ़ोन पर एक और ओटीपी जो है वो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो है वो सेंड करना है, ठीक है। एक ओटीपी और आपके फ़ोन पर जो है वो गया होगा, उस ओटीपी को फिर आपको यहाँ पे इंटर करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट विलिंगनेस के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। फाइनली जो है ये अपग्रेड हो गया, इस बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉलेज रिजर्व रखना है कि अगर सेकंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है दूसरा कॉलेज, तो आपको ये कॉलेज जो है वो रह जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जब अपग्रेड कर लेंगे या फ्रीज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर का जो ऑप्शन है वो दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करेंगे, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है इसको डाउनलोड करना है।